नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात हेमा मालिनी की। साल 1969 में फिल्म जहां प्यार मिले के गाने में नस नस में अगन टूटे है बदन एक गाना है इस फिल्म में, और इस गाने के रूप में हेमा मालिनी ने अपना पहला एक तरीके से काल्पनिक गाने वाला डांस किया। इससे पहले वो क्लासिकल डांस करती थी जिसमें कथा होती थी, जिसमें तमाम वो मुद्राएं होती थी, और वो इस गाने के मुखर बोल और उसके साथ प्रदर्शित किए जाने वाले लटके झटकों के कारण बहुत शर्मिंदगी का अनुभव कर रही थी। हेमा ने कभी इस तरीके का डांस किया नहीं था और हमेशा की तरह उन्होंने चुपचाप रिहर्सल तो की, लेकिन गाने का जब शूट हुआ उसके समय वो जो उसके डांस स्टेप थे उसको वो अपनी तरह से ही प्रदर्शित कर रही थी। डायरेक्टर ने जो ड्रेस डिज़ाइनर थे, हेमा की एक तरीके से जो मादकता थी उसको और उभारने के लिए उन्हें उजली साड़ी देने को कहा, यानी कि एक ऐसी साड़ी जिसमें बदन दिखाई दे, शरीर दिखाई दे। लेकिन हेमा मालिनी ने ये सुनिश्चित किया कि वो इसके नीचे एक स्किन के कलर का रंग वाला एक अस्तर भी इसमें लगाया जाए। बाद में उन्होंने अपने पूरे फिल्मी करियर में फिर ऐसा करना ही जारी रखा। कभी भी इस तरह की कोई साड़ी हो तो वो एक अस्तर ब्लाउज या उसमें अस्तर इस तरीके से पहनती थी। वो चाहते थे कि मैं घुटनों तक ऊंची छोटी साड़ी पहनूं, पर मुझे ये वाहियात लगा और मैंने बिना किसी से कुछ कहे साड़ी की लंबाई बढ़वा दी। मैं जानती थी कि इस गाने में कई तरह की हरकतें करनी होंगी और मैं सेट पर सबके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी। बाद के दिनों हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू के दौरान इस वाक्य को बताया। साल 1970 के दशक में ये काम प्रचलन था कि सभी बड़े सितारे ग्रुप डांसर्स के साथ ही रिहर्सल करते थे और इसी ग्रुप में से कोई व्यक्ति अभिनेता अभिनेत्री की जगह ले लेता है और कलाकार उससे नृत्य की अदाएं सीखते थे। मुझे ये सब एकदम नापसंद था। मुझे ये सोचकर भी घिन आती थी कि कोई बदबूदार सहायक मुझे पकड़कर खड़ा है। हालांकि कभी किसी ने भी मर्यादा की सीमा का उल्लंघन नहीं किया, पर ये सारी प्रक्रिया में मुझे अंतरंगता थी और मैं सहज नहीं हो पाती थी। और सबसे ख़राब तो तब लगता था जब कई दिनों तक कठिन डांस स्टेप की रिहर्सल करने के बाद डांस डायरेक्टर शूटिंग के दिन उसको एकदम से बदल देते थे, और लगभग सभी डांस डायरेक्टर ऐसा ही करते थे। वो अचानक से सिखाते कुछ थे, हम रिहर्सल कुछ और डांस की करते हैं, और बाद में बिल्कुल जब एन मौके पर करना होता था तो सारे स्टेप बदल जाते थे। हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का जिक्र किया। हेमा ने प्रख्यात डांस डायरेक्टर पीएल राज, जिन्हें लोग सम्मान से राज मास्टर कहते थे, उनके साथ पहली बार साल 1970 में फिल्म अभिनेत्री में काम किया। वो इस फिल्म में एक शास्त्रीय नर्तकी की भूमिका कर रही थी, जिसका वैज्ञानिक पति ये चाहता था कि उसकी पत्नी डांस के प्रति अपने प्रेम को भुला दे। हेमा कहती हैं कि राजमास्टर जी ने मुझे अर्धशास्त्रीय नृत्य मुद्राएं करने को कहा, जो कि पात्र के उपयुक्त था और मेरे व्यक्तित्व से भी मेल खाता था। मैंने इस भूमिका के लिए भरतनाट्यम, कथक, मणिपुरी आदि नृत्य शैलियों के प्रमाणिक परिधान पहने थे। इस फिल्म के लिए परिधान सज्जा का भार, यानी कि जो ड्रेस डिज़ाइनर थे वो थे भानु अथैया। हेमा कहती हैं कि भानु अथैया के कपड़ों की पसंद या रंग का जो कॉम्बिनेशन था उसमें कोई भी खोट नहीं निकाल सकता था। वो पर्दे पर मेरे ग्लैमर को निखारने के लिए उत्तरदायी होती थी। महीन कशिदाकारी के किनारों वाली सिफॉन साड़ी और बिना बाजू वाला ब्लाउज एक तरीके से भानु अथैया की ही देन है। साथ ही मेरे बालों में अक्सर खोंसा जाने वाला एक बड़ा सा फूल और कमर में खोंसी गई साड़ी भी उन्हीं की कल्पना है। आने वाले सालों में हमने कई फिल्में साथ में की और ये सभी सौंदर्य परकता के मामलों में मेरे लिए ज्ञान प्राप्ति के अनुभव थे, क्योंकि भानु जी अपनी कला में सिद्धस्थ थे और हेमा इस बात को बड़ी विनम्रता से आज सालों बाद भी स्वीकार करती। इसी साल सुपरहिट फिल्म जॉनी मेरा नाम में हेमा के दो डांस थे, बाबुल प्यारे और चुप चुप मीरा रोए। ये हेमा मालिनी पर फिल्माए गए थे और इसमें रोचक बात यह है कि इन दोनों ही गानों की शूटिंग एक ही समय पर हुई थी। और हेमा कहती हैं कि
इस डांस में दर्शाई गई जो कारुणिक मनोदशा है उनकी इस समय की वास्तविक मानसिक परिस्थितियों का भी एक तरीके से वो उदाहरण देती है, प्रतिबिंबित करती है। उनकी निजी जिंदगी धर्मेंद्र के प्रति उनके आकर्षण के कारण तनावों में उलझी हुई थी। वो पारिवारिक बंधनों को चुपचाप मानने वाली एक लड़की थी और इन बंधनों से उनका दम घुटता जा रहा था जिसकी किसी को कोई खबर नहीं थी। हेमा के पास तो इतना निजी समय भी नहीं था कि वो खुलकर रो सके। वो घर पर कोई कोलाहल चाहती नहीं थी और न ही फिल्मों के सेट पर ज़्यादा नखरे दिखाना पसंद करती थी। सो आने जाने अनजाने उन्होंने इन्हीं भावनाओं को, इन्हीं दृश्यों को के माध्यम से अपनी जो वेदना है, जो तकलीफ है, उसे फिल्मों में व्यक्त किया। कई बार ऐसे क्षण आए जब ग्लिसरीन के साथ मिलकर असली आंसू भी बहे, लेकिन सौभाग्यवश शायद कैमरे के अलावा और किसी को इसकी कोई खबर नहीं थी। बाद के दिनों में हेमा मालिनी अपने इंटरव्यूज़ में ये राज खोलती हैं। दरअसल उन दिनों धर्मेंद्र के साथ उनकी शादी करने की खबरें चल रही थीं। वो धर्मेंद्र से शादी करना चाहती थी, लेकिन जो हेमा मालिनी की माँ थी जया चक्रवर्ती, वो और उनका परिवार इस बात के लिए कतई राज़ी नहीं था, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे, उनके बच्चे थे, और जया चक्रवर्ती नहीं चाहती थी कि किसी शादीशुदा बच्चे वाले आदमी से उनकी बेटी हेमा की शादी हो। लेकिन हेमा धर्मेंद्र से बेपनाह मोहब्बत करती थी और वो उन्हीं से शादी करना चाहती थी, और इसी कश्मकश में ये फिल्म और इस जॉनी मेरा नाम के कुछ गाने, तकरीबन दो गाने जिसमें उन्हें रोना भी था, ये फिल्म कुछ ऐसी थी, और इसी का जिक्र करते हुए हेमा कहती हैं कि उन्हें ग्लिसरीन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। वाकई उस दौर का इश्क, उस दौर का अभिनय बहुत बेजोड़ है। शराफत एक फिल्म आई और शराफत में हेमा मालिनी ने एक वेश्या का किरदार निभाई। लगभग उसी दौर की बात है, 1969-70-71, और इसके लिए उन्हें राजा रानी फिल्म एक थी, उस जैसा एक भड़कीला डांस करना था। हेमा कहती हैं कि मैं उस डांस की शूटिंग के दौरान बहुत ज़्यादा असहज हो रही थी, और जो मुझसे डांस डायरेक्टर चाहते थे उन्हें न कर पाने के कारण मैं एक तरीके से अपनी ही नज़रों में गिर रही थी। लेकिन इस गाने की लोकप्रियता पर इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। ये गाना इतना लोकप्रिय हुआ, थिएटर में इस गीत के डांस पर सिक्के बरस रहे थे, पर मैं इन सबसे कभी खुश नहीं थी। असल में तो मुझे इससे चिढ़ होती थी, परंतु किसी फिल्म में एक और उतना ही प्रसिद्ध गीत था, शराफत छोड़ दी मैंने, और जहां पर डांसर अपने सपनों से हार कर अपनी भावनाएं डांस के माध्यम से इजहार उसका करती है, और इस डांस में कोमल अभिव्यक्तियों एवं शालीन मनोदशा की आवश्यकता थी, और मैं इसके फिल्मांकन में ज़्यादा सहज थी। ऐसा ही मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि उन दिनों उनकी मनोस्थिति ऐसी थी और इसलिए वो इसमें खुद को ज़्यादा सहज महसूस कर रही थी। संयोगवश आने वाले समय में इन दोनों गानों के नाम से फिल्में बनी और हेमा मालिनी ने उन दोनों में काम किया। 1970 के दशक में रिलीज होने वाली ज़्यादातर फिल्में मसालेदार एंटरटेनमेंट थी और उनमें कलाबाजियों वाले डांस थे, गीतों की भरमार थी। तुम हंसी मैं जवां फिल्म में हेमा ने एक चमकीली ड्रेस पहनी और एक नीली विग पहनी थी। इस फिल्म में धर्मेंद्र जी और मुझे एक वेस्टर्न डांस करना था, हेमा कहती हैं, और जिसमें मुझे उनके पीठ पर चढ़ना था। उन दिनों में कुछ ज़्यादा ही भारी थी, पर अपने संकोची स्वभाव की वजह से उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, पर अब मुझे ये सब सोचकर बुरा लगता है। हेमा कहती हैं कि हिंदी फिल्मों की सभी एक्ट्रेस की तरह ही उन्हें भी बारिश में डांस वाले कई गाने करने ही पड़े। साल 1971 में रिलीज हुई फिल्म नया जमाना, और नया जमाने का एक गीत है रामा रामा गजब हुई गवारे, और इनमें से ये पहला था, और इस गाने को एक अत्यंत गंभीर फिल्म में हल्के फुल्के क्षण लाने के लिए डाला गया था। इस बार भी जो ड्रेस डिजाइनर थे उनको सफ़ेद साड़ी पहनने के लिए हेमा को कहा गया, जिसे हेमा ने अस्तर वाली पीली साड़ी से बदल दिया। हेमा कहती हैं मेरे जो ड्रेस डिज़ाइनर थे उनको अक्सर मेरे डायरेक्टर्स के गुस्से का सामना करना पड़ता था, क्योंकि मैं बहुत ज़िद्दी थी, पर किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा और मैं अपने मन का करती रही।
और इस बात को कहते कहते उनके चेहरे पर एक विक्ट्री वाली जो मुस्कान होती है वो आ जाती है। हेमा मालिनी का ये किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। आगे भी हम आपको हेमा मालिनी के किस्से सुनाएंगे। ये किस्सा भावना सोमाया की किताब हेमा मालिनी एक अनकही कहानी से था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।